नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। खाचरोद 8 दिन पहले भी खौफ होकर बदमाशों ने बैंक ऑफ इंडिया में लगे सीसीटीवी कैमरे पर काले पोत कर डिपॉजिट एटीएम मशीन से 22 लाख की चोरी को दिया था अंजाम। आरोपी और कोई नहीं बल्कि मैकेनिक ही निकला घटना का आरोपी, जिसने अपने ही एक दोस्त के साथ मिलकर दिया था इस वारदात को अंजाम। दो लोगों ने घुसकर एक चोरी की थी, जिसमें इन्होंने करीब 23 लाख रुपए उसके से निकाले थे। दो उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया, ऋतुराज सिंह। ये टेक्निकली बहुत साउंड है और ये एटीएम रिपेयरिंग का ही काम करता है। ये 26 जुलाई को बैंक एटीएम में उसकी टीम के साथ कैश डिपॉजिट के लिए आया था, जब उसने पासवर्ड देख लिया था। उसके बाद 29 जुलाई को उसने ये घटना कारित करी। इस दोनों आरोपी एक ऋतुराज सिंह और शुभम जोशी को गिरफ्तार किया गया और पूरे 22,93,100 रुपये जमा बरामद कर लिए गए। इसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब एसडीओपी खाचरौद और उनकी पूरी टीम ने, थाना प्रभारी खाचरौद और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी और मुझे लगता है कि लेस देन 24 आवर्स में पूरी रिकवरी भी इसमें कर ली गई, इसलिए ने 10,000 रुपए का इनाम लिया। सर, 29 तारीख को वारदात हो गई, बैंक को 3 दिन से पता कैसे नहीं? इसमें बैंक की लापरवाही है। इसमें 29 तारीख को जब उनका बजर रन किया गया था कि कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके बाद क्योंकि ये पासवर्ड के माध्यम से पैसा निकाला गया था, तो वो उसको समझ नहीं पाए कि उसमें से क्या थेफ्ट किया गया है। इसके अलावा उसमें जो उनका टेक प्रोटोकॉल है, उसमें नियत दिनों में संभवतः 2 दिनों के अंदर, हर दिन 2 दिनों में उनको डिपॉजिट को चेक करना होता है, क्योंकि 6 दिन तक नहीं किया गया। जब 3 अगस्त को उन्होंने डिपॉजिट चेक किया, तब उनको रियलाइज हुआ कि इसमें 22,93,000 रुपए की चोरी कर ली गई, जिसके बाद ये घटना रिपोर्ट। ऋतुराज सिंह 30 साल का है, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसने पढ़ाई करी है और एक ये आईटी और एटीएम रिपेयरिंग की कंपनी में काम करता है, इसीलिए उसे पूरे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसकी पूरी जानकारी। खबर समय जगत के लिए खाचरौद से भूपेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।